हम पर भी एक नजर हो भोला मसान वाले। क्या बात है, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि आज के दिन कहते बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ। और बाबा भोलेनाथ का विवाह प्रसंग तो पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा सुनाने की। लेकिन अभी जब राम जन्म की बात चल रही है तो राम जन्म में भी बाबा भोलेनाथ श्री राम जी का दर्शन करने के लिए पधारे। रामायण इसका प्रमाण देती है। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, हे देवी और हुए कहाँ चोरी सोने गिर जा अति दृढ़ मति तोरी काग भुसुंड संग हम दो मनज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बताऊं, जब राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ ना तब मैं भी अयोध्या में गया, लेकिन जैसा हूं वैसा बनकर नहीं, शंकर था शंकर बनकर नहीं गया मैं। बोले तो बोले मानव रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके गया। और मानव बनकर जब मैं गया तो जानते हो क्या हुआ, मैं अकेला नहीं था, काग भुसुंड हमारे संग में था। हम दोनों मानव इंसान साधारण मानव बनकर गए तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन जिस समय हम गए उस समय मेरे प्रभु रनिवास में विश्राम कर रहे हैं। अब हमें रनिवास में किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया। अब हम दोनों सोचे आए थे दर्शन करने और दर्शन होंगे नहीं तो फिर तो आना बेकार, कुछ ऐसा हो जिससे दर्शन हो जाए महाराज। काग भुसुंड जी बोले महाराज कैसे दर्शन होंगे, यहां तो मना हो गई रनिवास में प्रभु। शंकर बाबा बोले सुनो आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं प्यारे, आए हैं तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, दर्शन तो करना ही है। बोले कैसे, बोले सुनो एक ज्योतिषी बन गए, शंकर बाबा बन गए ज्योतिषी, वो भी एजेड जरा वृद्ध से, और वो बन गए शिष्य काग भुसुंड जी। अब काग भुसुंड जी शिष्य बन गए, शंकर बाबा ज्योतिषी बन गए राम जी के दर्शन के लिए। देखिए ना साहब ये तो स्टाफ का मामला है, ये देवताओं का अपने स्टाफ का मामला है कि नहीं पहले बताओ, है या नहीं। इस रोड से कोई बस वाला ड्राइवर खड़ा हो रोड पे और बस निकले तो पैसा नहीं देता, सिर्फ एक ही बात कहता है स्टाफ का मामला ले जाता है, अगली बार स्टाफ चुप जाएगा, बोलो राधे 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 राधे। तो ये देवता तो आपस में स्टाफ का मामला है, लेकिन देखो यहाँ पर भी कभी कभी स्टाफ को भी कभी कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा कई बार अड़ियल होते नहीं मानते, नहीं नहीं स्टाफ मैं नहीं मानूंगा, लेकिन राम जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी राम जी की स्थिति ऐसी है, अभी वो छोटे से बुला नहीं सकते, इसलिए स्टाफ को भी थोड़ा सा और कुछ करना पड़ा। बाबा भोलेनाथ ज्योतिषी बने, वो उनके शिष्य बने काग भुसुंड। अब बन गए, दासी को पता चला कि एक बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी जी पधारे, तो कौशल्या जी से कहा महारानी जी बहुत उच्च श्रेष्ठ ज्योतिषी जी पधारे, बहुत पहुंचे हुए हैं, अपने लाला का ये जो अपने यहाँ गोविंद हुए हैं राम जी हुए हैं, जरा इनका भी कुछ भविष्य दिखवा लेते हैं। बोले जाओ एक को लेकर आना। बोले ठीक है, दासी गई, दासी ने कहा चलो महाराज एक को चलना है, दोनों नहीं जा सकते रनिवास में, सिर्फ एक चलो। शंकर जी बोले ठीक है, शंकर जी उठकर चले तो बाबा भुसुंड जी बोले सुनो महाराज हम किस लिए, दोनों प्रण करके आए थे जाएंगे तो दोनों संग जाएंगे, नहीं तो नहीं।
अब हमें मत छोड़ के जाओ, ये तो गलत बात है। क्यों बीच में लाके छोड़ रहे हो? छोड़ना नहीं, हम भी साथ चलो। शंकर बाबा बोले अच्छा एक काम करो, तुम जाओ मैं बैठा। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसे भी काम नहीं चलेगा, जाना है तो साथ ही जाना है और दोनों को ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना, कोई युक्ति करो महाराज। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है। बोले देवी सुनो, दासी से कहा हम एक नहीं जा सकते, हम दोनों ही जा सकते। बोले क्यों? बोले मेरे बिना ये अधूरे, इनके बिना मैं अधूरा। बोले कैसे? बोले मैं हस्तरेखा तो अच्छी बताता हूं, लेकिन मैं सिर्फ बोल सकता हूं क्योंकि मैं थोड़ा कम दिखता है, देख नहीं सकता। ये देखते हैं और मैं बोलता हूं, ये बोल नहीं सकते, ये देख सकते हैं और मैं बोल सकता हूं, मैं देख नहीं सकता। एज हो गई है, क्या करूं, उम्र हो गई, इसलिए दोनों को ही चलना पड़ेगा। अच्छा बोल रानी जी से कहा महाराज ये महारानी ये स्थिति है। बोले ठीक है दोनों को बुला दो। मेरे प्रभु की हस्तरेखा भगवान भोलेनाथ ने देखी और जब भोलेनाथ ने हस्तरेखा देखी, प्रभु का दर्शन किया, क्या बात, सुंदर छवि, विशाल नेत्र, श्याम वर्ण, घुंघराले बाल जिनके अद्भुत छटा को बिखेर रहे हैं, मस्तिष्क पर सुंदर तिलक लगा है, गर्दनी में धारण किए हुए पीतांबर धारण किया हुआ मेरे प्रभु बाल स्वरूप में शंकर भगवान, क्या वर्णन करूं तेरी छवि का, तेरी शोभा परंपार, तेरी एक एक इस अदा पर तू सैकड़ों काम बार, तेरी एक एक छटा पर अगर सैकड़ों कामदेव न्योछावर कर दिए जाए तो भी तेरी सुंदरता का कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। क्या अब मेरे भोलेनाथ ने भगवान के चरणों का स्पर्श करके उसे अपने सर पे लगाया। मैया पूछने लगे, रहे हो बाबा ज्योतिषी बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बोले मैया मुझे कम दिखता है ना, तो आंखों से तो ये पाम की रेखा दिखने वाली है नहीं, इसलिए हाथों से देख रहा हूं कि रेखा कैसी बनी है, और हाथों से देख कर ही तो तुझे बताऊंगा कि तेरो लाला कैसो है। बोलो राधे राधे। बोले देख ले। बोले देख ले कैसो है? बोले माँ चिंता मत कर, दीनान दुख हरण देव, दीनान दुख हरण सर्व मंगल मैया तुम चिंता मत करो, ये बहुत यशस्वी बहुत ही भाग्यवान बड़े ही यशवान बड़े ही बलवान होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, आपका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा भी। बाबा भोलेनाथ को राम जी का दर्शन करने आए थे, उनको दर्शन हुआ, लेकिन शिवरात्रि है, आज थोड़ा सा प्रसंग शिव जी का लेंगे और शिव जी के विवाह का जन्म थोड़ा सा प्रसंग लेंगे शिव जी के विवाह का। बाबा का विवाह होना है पार्वती जी से, निश्चित हो गई ये बात, और जब ये बात निश्चित हो गई
तो बारात को निमंत्रण बुलावा भेजा और बुलावा भेजा, सभी देवता इकट्ठे हो गए। सभी देवता इकट्ठे हुए हैं, इंद्र पधारे, ब्रह्मा पधारे, विष्णु भगवान भी पहुंच गए। अब विष्णु भगवान जब पहुंचे तो विष्णु भगवान की सुंदर उनके अनुचर उनके साथ में, ब्रह्मा जी के अनुचर उनके साथ में, इंद्र के सभी देवगण उनके साथ में। नंदी से पूछा, भैया दूल्हा कहाँ है? अरे ओ नंदी, तेरा दूल्हा कहाँ है? अरे बोले, दूल्हा ऐसे ही थोड़ी ना आएगा, दूल्हा श्रृंगार कर रहा है भाई। देखो, दूल्हा और दुल्हन एक ही दिन ढंग से सजते हैं। दुल्हन को तो बार बार मौका मिलता है सजने का, बेचारा दूल्हा तो एक ही दिन सजता है और उसी दिन ढंग से सज के फिर सज ही जाता है। बोलो राधे राधे, सज के सज ही जाता है। अरे वो फिर तो पूरी जिंदगी सजाने में ही लगा रहता है। जय हो दूल्हा। बोले, दूल्हा सज रहे ही साहब, श्रृंगार हो रहा है। अरे बोले, श्रृंगार ही होता रहेगा, बारात लेट हो रही है। वहां लड़की वाले के घर पहुंचेंगे तो विलंब होगा, सब शिकायत करेंगे बारात लेट आई है, बारात को जल्दी लेके चलो, जल्दी दूल्हा को निकाल के लाओ। बोले ठीक है, जाता हूँ। और नंदी दूल्हा को लेने के लिए गए और दूल्हा, बाबा क्या बात है, आजकल के दूल्हा तो फेशियल कराते हैं साथ, आजकल के दूल्हा तो अपने मुंह को इधर उधर से खिंचवाते हैं साहब, बड़े बड़े कीमती वस्त्र पहनते हैं साहब, उनकी ड्रेसेस बड़ी महंगी होती। लेकिन बाबा का श्रृंगार तो देखिए, बाबा ने अपने पूरे मुख पर भस्म लगा लिया, ऊपर से त्रिपुंड लगाया है, पूरे अंग पर भस्म लगा लिया, मृग छाला कटी में ऊपर से एक सर्प को ऐसे बांध दिया, गले में सर्पों की माला, हाथों में सर्पों का सुशोभित श्रृंगार, और एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू। ये कहां जा रहे हैं बोलिए? नंदी बोला, बाबा शादी करने जा रहे हो या बंदरिया नचाने जा रहे हो? अरे कम से कम आज तो ठीक ठाक बन जाओ। नंदी से बोले, बाबा ए सुन, हम तो ऐसे ही ठीक है, ले चलना है तो ले चल, नहीं ले चलना है तो किसी और की करा दे जा, हमें जरूरत नहीं, हमें चलना है तो ऐसे ही चले। बोले बाबा ठीक है, चल चल ऐसे ही चल। माथे पर चंद्रमा विराजमान है, सर पे अर्धमौलेश्वर, और जैसे ही दूल्हा सरकार को देखा, बरात ने बरात बिदक गई। गराती तो बाद में, बराती पहले डर गए, गरातियों की तो बारी भी नहीं आई। बराती सोच, बाबा ऐसे चलोगे? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे बैठो, घोड़ा कहाँ है आपका? घोड़े पे जाता है ना, घोड़ी पे दूल्हा? अरे बोले नहीं, घोड़ी पे नहीं। बोले तो? बोले मेरी सवारी तो नंदी को समझना, मेरी तो एक ही सवारी है नंदी, और उस पे भी बैठ गया उल्टा, उस पे भी बैठ गया उल्टा। नारायण भगवान को एक मजाक अच्छा लगा, उन्होंने कर दिया तुरंत। बोले कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कुछ और भी आनंद आवे। बोले भाई सुनो सुनो। बोले हाँ। बोले अपने अपने अनुचरों को अपने अपने साथ लेके अलग अलग दिशा से निकलो, अपने अपने अनुचरों को लेकर अपने अपने साथ में निकल जाओ, बारात निकलो जल्दी धीरे धीरे। ब्रह्मा जी चले गए अपने अनुचरों को लेकर, इंद्र चले गए अपने अनुचरों को लेकर, नारायण भगवान बोले अब मैं भी चलूं महाराज। शंकर जी से पूछते, चलूं? आप तो दूल्हा हैं, आप तो लेट आएंगे, बारात पहले पहुंचती है, दूल्हा ही लेट पहुंचता है। और दूल्हा से पूछो ना, भैया लेट कैसे हो गए? तो एक ही बहाना, क्या करूं गाड़ी खराब हो गई थी।
यो नहीं कहेगा कि मैं सजने में समरने में टाइम लगा रहा था, उस गाड़ी लेट हो गई थी थोड़ा सा ना, और बड़े ना यो क्या करूं। होता है सबके साथ होता है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके दूल्हा लेट नहीं आए, माताओं बताओ किसका दूल्हा टाइम पे आया बोलो। दूल्हा लेट ही पहुंचते, हर जगह लेट पहुंचते सब, मैं भी लेट पहुंचा था कसम से। हाँ सभी पहुंच, और कोई कई बार होते है कोई बार नहीं भी होता, पहुंचना टाइम पे जाते पर लेट हो जाते, क्या करे साहब बोलो। राधे 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 राधे। तो नारायण भगवान भी चले गए, अब वहां पर कोई नहीं है सिवाय शंकर भगवान के और नंदी के। शंकर भगवान बोले नंदी ये तो सब अपने अपने को लेके गए, अब हम क्या करें। बोले हम क्या करें। बोले हाँ। बोले क्या करोगे। बोले कुछ तो करो, बराती तो होने चाहिए ना हमारे साथ में भी। बोले क्या करें महाराज। बोले भूत प्रेत पिशाच जितने भी अयोगनी कच्चर सबको बुलाओ, निशाचर जितने भी है ना, भूत प्रेत पिशाच जितने भी है, सुकर सनीचर सबको बुलाओ। तो जानते हो क्या हुआ, सबको बुला लिया और भूत प्रेत पिशाच वनचर इत्यादि जब इकट्ठे हुए, बड़ा भयंकर बरात का स्वरूप बन गया साहब। किसी के सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, बस आवाज ही आवाज आ रही है। नंदी बोले बाबा सुन, बाबा हमने माना कि तू शमशान भूमि में रहता है, लेकिन किसी के गांव में जाके शमशान भूमि क्यों बनाता है। बोले क्यों, मतलब। बोले मतलब सीधा सा है, तेरी इस बारात को देखकर गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। नंदी से बोले घबराओ नहीं, हमारी ये बारात चलेगी ही चलेगी।